हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, चलिए लेटेस्ट पीपीआरएस की टाइमलाइन देखना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, एज यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए फर्स्ट पीपीआर की टाइमलाइन देखते हैं। ओके, तो गाइज, ये फर्स्ट है। अक्टूबर 10 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन नेक्स्ट डे हुआ, सेम डे ही बीसीएल आ गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके, तो ये नेक्स्ट है। अक्टूबर 6 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, बीसीएल इनको अक्टूबर 8 को आया, उसके बाद कन्फर्मेशन लेटर, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट है। अक्टूबर 11 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी, उसके बाद सबमिशन कंफर्मेशन हुआ इनका अक्टूबर 12 को, बीसीएल भी अक्टूबर 12 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके गाइज, ये नवंबर 9 की फाइल है, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, बीसीएल नेक्स्ट डे आ गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट है। अक्टूबर 7 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल आफ्टर 2 डेज आया इनको, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया दिसंबर 20 को एंड उसके बाद पीपीआर रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके, तो ये नेक्स्ट है। अक्टूबर 8 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 9 को आया, उसके बाद दो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आए इनको दिसंबर 23 को, देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी रिसीव हो गई दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, रीअप्लाइड केस है। अक्टूबर 6 फाइल लॉन्चमेंट डेट है, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके, नेक्स्ट है। अक्टूबर 8 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल नेक्स्ट डे आ गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट है। अक्टूबर 11 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल नेक्स्ट डे आ गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए। अक्टूबर 10 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन हुआ अक्टूबर 11 को, बीसीएल आया अक्टूबर 11 को, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट है। ये फाइल लॉन्चमेंट डेट है अक्टूबर 11, सबमिशन कंफर्मेशन हुआ अक्टूबर 12 को, बीसीएल भी अक्टूबर 12 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर आई है दिसंबर 23 को। ओके गाइज, ये देखिए। नेक्स्ट, अक्टूबर 11 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल आया इनको आफ्टर 2 डेज, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई दिसंबर 23 को। ओके, ये नेक्स्ट है। अक्टूबर 11 है फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन अक्टूबर 12, बीसीएल आया अक्टूबर 12, उसके बाद दो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आए दिसंबर 23 को, देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके, ये नेक्स्ट है। अक्टूबर 11 फाइल लॉन्चमेंट डेट है, सबमिशन कंफर्मेशन अक्टूबर 12, बीसीएल अक्टूबर 12, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई दिसंबर 23 को। ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए। नवंबर की फाइल है, नवंबर 10 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन हुआ नवंबर 11 को, बीसीएल आया नवंबर 11 को, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए। ये व्यूअर हैं हमारे, लॉन्चमेंट डेट थी 8 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स अपडेट हुए 18 अक्टूबर, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 22 दिसंबर को, 10th में 80% है, 12th में 90% है, आइल्स में 7 बैंड्स हैं नॉन मेडिकल के साथ, सेनेका कॉलेज के लिए अप्लाई किया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिए और इनको इनकी पीपीआर रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट है। ये फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 8 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 21 अक्टूबर, चेन्नई ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल, ओके, बीवीएल एंड पीपीआर इनको रिसीव हुई है 23 दिसंबर को, मेडिकल भी 23 दिसंबर को अपडेट हुआ था इनका, 12th 2015 में है, बीकॉम 2018, एमबीए भी की हुई है, 2020 पास्ड आउट हैं ये, जॉब कर रहे हैं 14 दिसंबर 2020 टिल डेट तक, अप्लाई किया था इन्होंने थ्रू लीप स्कॉलर्स, उसके बाद इन्होंने अपनी जो पीपीआर है वो रिसीव की है दिसंबर 23 को। ओके, ये नेक्स्ट है। इनकी फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 7 अक्टूबर, इनको मेडिकल इनका हुआ था 1 सितंबर को, उसके बाद इनको बीसीएल आया है 9 अक्टूबर को और पीपीआर इनको रिसीव हुई है दिसंबर 23 को। ओके गाइज, नेक्स्ट है। इनकी फाइल लॉन्चमेंट डेट है 9 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स एंड 11 अक्टूबर, सेम डे अपडेट हो गए, मेडिकल 4 अक्टूबर का है जो कि अपडेट हुआ है इनका 22 दिसंबर को, लसाल कॉलेज मॉन्ट्रियल में अप्लाई किया था इन्होंने नेटवर्क मैनेजमेंट के कोर्स के लिए, आईएलटीएस में 7 है स्कोर इनका, नॉट लेस देन 6, और इनको इनकी पीपीआर रिसीव हो चुकी है 23 दिसंबर को।
ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, ये भी क्यूबेक का रिजल्ट है। फाइल लॉजमेंट डेट थी 11 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 14 अक्टूबर, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 23 दिसंबर को हर्जिंग कॉलेज मॉन्ट्रियल में। क्यूबेक में इन्होंने अप्लाई किया था, एसटीएस कैटेगरी की फाइल है। आईएस में 7.5 है इनका ओवरऑल स्कोर। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स है, 10th में 9.4 सीजीपीए, 3 इयर्स डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, उसके बाद 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है इनको सेम फील्ड में, एंड इन्होंने अपनी पीपीआर एंड पीवीएल रिसीव किया है 23 दिसंबर को। ओके, तो ये नेक्स्ट है। फाइल लॉजमेंट डेट थी 8 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 25 अक्टूबर, एसटीएस कैटेगरी की फाइल है। लॉयलिस्ट कॉलेज में अप्लाई किया था, सीरीज नंबर भी मेंशन किया हुआ है, बीटेक की हुई है इन्होंने, पीपीआर एंड बीवीएल इन्होंने अपना रिसीव किया है 23 दिसंबर को। ओके गाइज, नेक्स्ट है, ये फाइल लॉजमेंट डेट थी 13 अक्टूबर, 27 अक्टूबर के बायोमेट्रिक्स हैं, एसटीएस कैटेगरी की फाइल है, 12th आर्ट्स में है इनकी। हम्बर कॉलेज में इन्होंने अप्लाई किया था और बीवीएल एंड पीपीआर इन्होंने रिसीव की है 23 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट है गाइस, फाइल लॉजमेंट डेट थी 8 अक्टूबर, मेडिकल 21 सितंबर, बायोमेट्रिक्स थे 18 अक्टूबर के, मेडिकल अपडेट हुआ 19 दिसंबर को और पीपीआर इन्होंने अपनी रिसीव की है 23 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट है, एसटीएस कैटेगरी की फ्रेश फाइल है। लॉजमेंट डेट थी 10 अक्टूबर, अपफ्रंट मेडिकल 7 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 13 अक्टूबर, प्रीवियस एजुकेशन कंप्यूटर बीई कंप्यूटर 2020, पास्ड आउट 8.79 सीजीपीए, आईएलटीएस स्कोर है ओवरऑल 6, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने अप्लाई किया है एल्गोमा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद इनका सीरीज नंबर भी मेंशन है, देन इन्होंने अपनी बीवीएल एंड पीपीआर रिसीव की है 24 दिसंबर को। ओके गाइस, तो आज के लिए इतनी ही पीपीआर थी मेरे पास। तो गाइस, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशन हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ को रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप लोग प्लीज़ अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस, ये वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टिल देन गाइस, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल।